हेलो एवरीवन, आज से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिट वन के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यूनिट वन में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है और यूनिट वन में जो भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं सिलेबस में, उस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके पैटर्न को भी हम लोग समझेंगे। यूनिट वन का जो हेडिंग है, इसका हेडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स के होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हिस्ट्री क्या है, कब से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, इसके फादर किसे माना जाता है और आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंबॉल सिस्टम है, सिंबॉल सिस्टम क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिंबॉलिक एआई किसे कहते हैं और इसका क्या स्कोप है, इन सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का, क्या मेन पर्पस है, क्या गोल है, उसको समझेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, एआई का क्या इम्पोर्टेंस है आज के डेट में, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्निक यूज्ड इन एआई, एआई में कौन कौन से टेक्निक यूज किया जाता है, उसका क्या परसेप्शन है और अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है मॉडर्न, उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स को हम लोग यूज करते हैं, इन सभी टॉपिक्स को यूनिट वन में कम्प्लीट करना है। अब ये यूनिट वन जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं उसके पैटर्न को। जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखवा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन कीजिए क्या होता है। ऑल्सो एलाबरेट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस फील्ड में होता है, उसको डिटेल्स में एलाबरेट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स के हैं उसको आप डिटेल्स में एक्सप्लेन कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हिस्ट्री ऑफ एआई, तो उसको तो हम लोग सिलेबस में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज सिम्बॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सिम्बॉलिक एआई क्या होता है और एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिम्बॉल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सिम्बॉल्स का क्या रोल होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन वेरियस टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ मॉडर्न एआई, यानी कि मॉडर्न एआई का कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है एआई में और एआई का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूनिट वन में जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करेंगे।